हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? तो आप धूप देख सकते हो ना, कितनी तेज़ हो रही है। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मेरा मन नहीं करा कि मैं पर्दे को खोल दूँ। और मैं चली गई थी आरना को देखने के लिए कि वो सो रही है या जग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा योगा करना है। मुझे मतलब जुकाम है, एलर्जी है, पता नहीं क्या है। तो सोचा पहले मैं आरनों को देख लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा योगा है वो मैं करूँगी। फिर वो उठ जाती है ना तो नहीं करने देगी, फिर मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा। कम से कम मैंने 10-15 मिनट तक करा था ये योगा, और ये जुकाम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखती हूँ मुझे कितना फ़ायदा मिलता है इससे। तो योगा करने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, तो अपने लिए बनाऊँगी नींबू पानी। तो नींबू पानी तो मैं हमेशा ही लेती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ही लेते हैं नींबू पानी। कभी कभी होता है हम आरना को भी दे देते हैं, सही रहता है। तो बस इसको बनाने के बाद मैं थोड़ा सा धूप में खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो धूप में खड़ी हो जाऊँगी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे सच बताऊँ ना, मुझे जो गर्मी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। बट वही है ना कि शरीर को धूप देनी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मतलब नींबू पानी पीने के बाद जो मेरे जो बाकी के घर के काम है वो मैं ख़त्म करूँगी जाके। पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी, और जो और मेरे ना उसमें लिविंग रूम में ना कपड़े रखे हुए थे, बट मैंने पहले उसको उतारा नहीं। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो फिर आरना उड़ जाएगी ना, तो मेरा ये काम भी रह जाएगा। और सुबह तो झाड़ू लगाना मतलब अच्छा रहता है, घर को बासी नहीं रखना चाहिए, सबसे पहले झाड़ू ही लगानी चाहिए घर में, बाकी सारे काम ख़त्म करने चाहिए। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो ये कपड़े हैं उन सब की तह लगाऊंगी मैं। आरना को नाश्ता करवाया था पहले, जब उठ गई थी ना तो उसको फ्रेश वगैरह करवाया, फिर उसे ब्रश करवाया और उसको नाश्ता करवाया। तो उसी में मेरा जो था 1 घंटा निकल गया था। उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा बैठा कर आई, उसके पास बैठ कर आई हूँ। तब फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने घर में, मतलब डस्टिंग तो मैं कर चुकी थी जब मैं कपड़ों की तह लगा रही थी ना, उससे पहले मैं डस्टिंग कर चुकी थी। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद जब मेरा पोछा पूरा लग जाएगा ना, तो थोड़े से कपड़े थे आरना के थे, तो सोच रही थी कि चलो उनको हाथ से ही धो दूँगी। तो उनको मैं पहले तो सर्फ़ के पानी में ही उसको भिगो के रख दूँगी, और जब मैं नहाऊँगी तब मैं उन सबको धो दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और पूजा कर ली है, बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता क्या बनाऊँ,
ब्रेड और चाय ही पियेंगे। और आना ना नहाने के लिए बोल रहे हैं, तो जब मैं नहाकर आई थी ना तो ना पानी बहुत बहुत ठंडा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर मैं उसको नहलाती हूँ। जब मैं नहा रही थी तो पानी ठंडा आ रहा था, तो मुझे ठंड लग रही थी। और मैं अपने जुकाम है, एलर्जी है, क्या है, शायद एलर्जी है, जुकाम होता तो अब तक ठीक भी हो गया होता। तो समझ नहीं आ रहा क्या है, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है कि उनको दिखाऊं। मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, बट जब नोज में ना इरिटेशन होती है ना तो मुझे छींके आ जाती है, जब छींके आती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि जुकाम हो गया है मुझे। तो यही है, समझ नहीं आ रहा क्या है, देखते हैं अभी। इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं, बट होता है ना कि पता नहीं क्या चीज़ है जो एक महीने से है, समझ नहीं आ रहा। पर ये मुझे, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हो सकता है कि जब जब वो था ना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था नया नया, जब कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा था, मतलब फैला नहीं था, तब जब लॉकडाउन हुआ था तब मुझे एक दो बारी छींके आई थी, पर ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे जुकाम हो रहा हो, ऐसा नहीं था। बस दिन में एक दो बार छींके आ रही थी, इतना ज़्यादा गौर नहीं करा, बीच में ठीक हो गया, और अब ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा मीन्स जैसे नोज़ में इरिटेशन होती है तो छींके आती है और आती रहती है। तो ये कहते हैं हो सकता है कि शायद मास्क की वजह से हो रहा हो, कि हम मास्क लगाते हैं ना, शायद उसकी वजह से हो रहा हो, वो मुझे शूट ना कर रहा हो, कुछ नहीं पता। तो देखते हैं अभी क्या चीज़ है, चलो छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, टाइम जो हो रहा है वो 10:15 हो रहे हैं और मुझे भूख लग रही है। और बाल देखिए, बाल काट कर आई हूँ और बाल फिर बिखर गए, और धूप इतनी तेज़ हो रही है, अब तो चली गई, अब चली गई धूप, धूप इतनी तेज़ हो रही थी जब मैं उठी थी 7 बजे, तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी लग नहीं रहा था कि 7 बज रहे हैं। स्टैंड को लगा देते हैं, स्टैंड को कह रही, मोबाइल को स्टैंड पर लगा देते हैं। कपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, कम से कम 1.5 घंटा बैठी थी मैं। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी, और लंच में आज मैं बनाऊंगी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। तो मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, अरबी के जो पत्ते हैं उनको अच्छे से वॉश करने, मतलब करे हैं, और फिर मैंने एक बेसन का घोल बना लिया था, जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं वैसा ही। तो उस पर नमक मिर्च जितने भी जो भी डालना है वो मैंने डाल दिए थे, और उस पर पत्तों पे लगा के और थोड़ा सा रोल बना के, तो मैंने अब उसको स्टीम कर रही हूँ। जब तक वो स्टीम हो जाएंगे, और फिर जब वो स्टीम हो गए थे ना अच्छे से, तो मैंने उनको काट के फ्राई कर लिया था। तो मैंने मतलब डिटेल में दिखाया नहीं, क्योंकि पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं, इसलिए। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। हाँ बस ये है कि आज मैंने जो प्याज है वो मैंने सिर्फ कट करके डाली है, उसको पीस के नहीं डाला है, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं। बाकी सब्ज़ी से मैंने पहले बनाई थी वैसे ही बनाऊँगी। और प्याज जो है, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और लहसुन डाल दिया है, लहसुन वो तड़क चुका है तो मैंने इसमें प्याज को डाल दिया है। बस इसको अच्छे से फ्राई करना है प्याज को, जब फ्राई हो जाएगा और मैं इसमें जो भी जितने भी मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। बस हाँ थोड़ा सा कम करूंगी, क्योंकि जो मैंने वो बनाया था अरबी के पत्ते के, जो मैंने बेसन का जो घोल बनाया था उसमें भी सारे मसाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कम रखूंगी मसाले। और इसको जब अच्छे से पक जाएगा ना मसाले, तो ये जो मेरे अरबी के पत्ते जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पानी कर दूंगी, ताकि जो ग्रेवी है वो मतलब जले भी नहीं और अच्छे से सब्जी वो बन जाए।
बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये था मेरा सिंपल सा लंच आज का। तो ये था आज का मेरा सिंपल सा लंच। सब्जी है, रोटी है और ये है नमकीन छाछ। तो बस हम जाके अब करेंगे लंच, और लंच करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में थोड़ा सा, मतलब सफाई तो, ओ सॉरी, बर्तन तो मैं साफ़ कर चुकी थी बट गैस रह गई थी, वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी, तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन बनाता है गणेश चतुर्थी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नहीं करते हैं, शुरू से नहीं करा है इसलिए नहीं करते हैं हम। तो बस मेरी ये किचन की सफाई भी हो गई है। और मैंने घड़ी में ना सेल भी डाले थे क्योंकि रात को ना ये बंद हो गई थी घड़ी, तो सेल वीक हो गई थी, तो मैंने इसमें सेल डाल दी है। और ये हमारे आने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसने सुबह से, ये तीसरी बार उसने कपड़े चेंज कर लिए, चोटी भी खोल दी है। हाय करा सबको, पूछो कैसे हो। हाँ खाना खा लिया, पूछो खाना खाया। और खाना पीना हो गया है। और जो सब्जी थी ना बनी तो अच्छी थी, बट या तो हो सकता है कि जल्दी और ठीक से ना वो नहीं हुई। हाँ आना ने भी सब्जी खाई है, तो अंदर से ना वो अरबी के पत्ते जो थे ना, या तो ठीक से वो स्टीम नहीं हुए थे क्योंकि ना गले में ऐसा लग रहा है कि कांटे से चुभ रहे हो। तुम्हारे लाइट चली गई है, लाइट ना सुबह से बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। फ्रिज बंद कर दिया। चलिए अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, सुबह से चल रहा है। और जाके फिर मैं आरना को सुलाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी सो जाऊंगी। आ गई, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नहीं, गुड बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।